मैं कुछ बातें ऐसी कर जाता हूं जो लोग कहते हैं पहले तो कभी नहीं सुनी, लेकिन वो बात सही होती। सुनी नहीं तो मेरा कोई कसूर नहीं, या मेरा कोई कसूर है? उक्का यार अज नाराज नाराज बैठी हुई यार। आवाज नहीं आ रही? क्यों बाद वालों को आवाज नहीं आ रही? तुसी जरा चादर कान तू लाओ जी, वो नहीं बोल रहा स्पीकर, देखें यार उसको भाई। आपको आवाज आ रही? सबको समझ आ रही आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो ठीक है जी, ठीक। नहीं नहीं बस ऐसे ही बाद औकात नहीं आती। अगर आपको किसी ने बताया नहीं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बताने लगा हूँ आपको। हजरत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक लतीफ़ा सुनाया करते थे कि वो पहले ज़माने बसें चलती थी, दो दो वाली सीट एक तरफ होती थी, तीन वाली सीट एक तरफ। वो दो वाली सीट पे दो मोटे मोटे बंदे बैठे होते थे, चंगे मोटे। त्रिया बंदा आया कलीडर नु आख्या मैं कितने बावा? हाँ, तीन वाली सीट पर वो दो मोटे बंदे बैठ गए। उसने कहा वो बंदे बैठे हैं, उतरी सीट खाली है, तू जाके बह जा। वो आया उन्हें त्री वाली सीट पूरी पुर की हुई, इस आख्या मन जा दे, उन्हें थोड़ा इंज उंज किया लेकिन जा बनी नहीं। क्लीनर आ गया, उसने कहा भाई एक तरफ हो, इसकी जगह बनाए। उन्हें आख्या इस दी जा ना बने तो साडा की कसूर है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, इसकी जगह नहीं बनती। तो तकवा नाम नेकी करने का नहीं। लोग कहते हैं बड़ा परहेजगार है नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, बड़ा परहेजगार है मुत्तकी है, तस्बीह रोज़दा हर वक्त जिक्र करदा ये बड़ा मुत्तकी है। सुनो, तकवा नाम नमाजें पढ़ने का नहीं, तकवा नाम तहज्जुद पढ़ने का नहीं, तकवा नाम तस्बीह रोलने का नहीं, नहीं नहीं, तकवा नाम है रब की नाफरमानियों से बचने का। मुत्तकी वो होता है जो रब की नाफरमानी ना करे। नेकी करने का नाम तकवा नहीं है। नमाज पढ़नी सौखी है, नमाज पढ़नी सौखी है, ते दुध च पानी पाने तू बचना जी। तस्बी रोलनी सौखी है, ते सूदी कारोबार छोड़ना। तकवा नाम है रब की नाफरमानियों से बचने का। जोर की नमाज पढ़ के जो ऑफिसर निकला ना दफ्तर में, गया एक लाख रुपया पड़ा हुआ है, लाख रुपया मेज पे, सामने बंदा बैठा है, उस आख्या घुंडी मार दे ते लाख रुपया चुक ले। अफसर कहता है ये रिश्वत है, मैं गलत काम नहीं करना, लाख रुपया चाहते मेरे दफ्तर चू निकल जा। नमाज पढ़ना तकवा नहीं। लाख रुपये नू लत मारन दा नाम क्या है? इसको तकवा कहते हैं, रब की नाफरमानियों से बचने का, जिसे आप कहते हैं परहेजगार। कैसे आपको फिर समझाऊं? बंदा बीमार होवे, सिर च पीड़ चढ़ जाए, पट्ठे खिंची जान, डॉक्टर साहब को जाए, उन्हें आला लाया, उन्हें आख्या तैन ते यार ब्लड प्रेशर हो गया, तेरा ब्लड बड़ा हाई है, मैं गोलियां लिख के देना, ये गोलियां इस्तेमाल कर, ते निमक तू परहेज़ है। किस तू? गोलियां खान दा ना परहेज़ है? निमक तू, ये है परहेज, जिसको आप कहते हैं परहेजगार। तो तकवा नाम किसका है? गुनाहों से